दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुछ तो मिला में। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम ट्रेवल संबंधी, ऐप संबंधी और इंटरनेट संबंधी जानकारी शेयर करते हैं। दोस्तों एक आज की वीडियो एक वॉलपेपर के विषय में है, जिसको जो भी एंड्रॉयड फ़ोन हैं उनमें अगर ये वॉलपेपर डाउनलोड करते हैं तो आपका फ़ोन डैमेज हो सकता है, इसी के विषय में आज की जानकारी है। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, तथा नीचे जो रेड कलर में बेल आइकन उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि आजकल लोग एंड्रॉयड फ़ोन में तरह तरह के वॉलपेपर रखने का एक शौक हो गया है, तो उसी के विषय में एक अलर्ट आई हुई है। अगर आपके फ़ोन में है ये इमेज वॉलपेपर तो बेकार हो जाएगा आपके स्मार्टफोन। ये इमेज है, आपको मैं इमेज दिखा रहा हूँ, ये इमेज है। इस इमेज को आपने अगर वॉलपेपर के रूप में इस्तेमाल किया तो आपका फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन जितने डैमेज हो सकते हैं। तो कृपया करके इस इमेज को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में वॉलपेपर ना बनाएं। एंड्रॉयड स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक खास अलर्ट। अगर आप अपने फ़ोन का सही सलामत तौर पर यूज करना चाहते हैं तो फिर एक इमेज को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर भूल से भी वॉलपेपर न बनाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपका फ़ोन काम करना बिल्कुल बंद कर देगा। गूगल ने काफ़ी समय से प्ले स्टोर के सभी डेवलपर्स के लिए खोला हुआ है। ऐसे में प्ले स्टोर में कई सारे ऐसे ऐप भी मौजूद हैं जिनके चलते फ़ोन में खराबी आ सकती है। फिलहाल अभी किसी ऐप से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सुंदर चित्र है जिसको फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद उसको वॉलपेपर बनाने से पूरा फ़ोन वायरस डाल सकता है, जिसके चलते फ़ोन काम करने लायक नहीं रहता। यूनिवर्सल आइस नाम के विश्व प्रसिद्ध लीक करने वाले समूह ने इस बारे में ट्विटर पर ट्वीट किया है। समूह ने कहा है कि सैमसंग का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले सावधान हो जाएं, इस चित्र का इस्तेमाल वॉलपेपर के लिए ना करें और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को भेजें, इस चित्र से फ़ोन क्रैश हो सकता है। हालांकि इस चित्र से फ़ोन क्रैश होने का कारण का पता नहीं चला है। क्या होती है सॉफ्ट ब्रेकिंग? यह तब होता है जब आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं या किसी फ़ोन का काम कर देना पूरी तरह से बंद कर देता है, आपको फ़ोन दोबारा से रीसेट करना होता है। गूगल अभी भी इस चित्र से होने वाली परेशानी का हल ढूंढ रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।